हेलो दोस्तों, आईपीएल 2023 की शुरुआत हो गई है और इस साल हम आईपीएल देख रहे हैं फ्री में, यानी हमें कोई भी पैसा अलग से देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा जियो हमें आईपीएल फ्री में क्यों दिखा रहा है, जहां जियो ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए देकर आईपीएल दिखाने की राइट खरीदी है, वही लगभग पर मैच के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किया है, तो फ्री में क्यों दिखा रहा है जियो जो है वो क्यों फ्री में आईपीएल दिखा रहा है, चलिए जानते हैं 4-5 पॉइंट के अंदर। और इसके बाद आप भी बोलोगे कि जियो ने क्या दिमाग लगाया। देखिए, अभी तक हमें आईपीएल देखने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन और दूसरी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन। अब तक हम किसी भी ऑपरेटर के पास से कोई भी इंटरनेट पैक ले सकते थे और हम हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ले सकते थे मंथली और ईयरली, लेकिन इनमें से कोई एक चीज भी होती तो भी हम आईपीएल मोबाइल में नहीं देख सकते थे। इस बार जियो ने ऐसा दिमाग लगाया और देखा कि अगर किसी को भी अब तक हॉटस्टार पर देखना पड़ रहा था वो जियो की सिम था और नहीं था, लेकिन रिचार्ज तो वो कर ही रहा था। लेकिन इस बार अगर जियो फ्री में दिखा देगा तो हो सकता है इस बार वो लोग भी रिचार्ज कर ले जो सोचते थे कि मैं रिचार्ज तो कर लूंगा लेकिन फिर भी मुझे ऐप का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो जियो ने बोला हम इंटरनेट पर फ्री में तो दिखा देंगे लेकिन रिचार्ज तो आपको करवाना ही पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इन शॉर्ट इन्होंने सब्सक्रिप्शन हटाकर व्यूअरशिप बढ़ा ली और इस वजह से क्या हुआ कि जियो एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसे ले सकता है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन होता तो कम पैसा देना पड़ता एडवर्टाइजर करने वाली कंपनी को। इस बार एक ऐप से दूसरे ऐप पर आईपीएल शिफ्ट हो रहा है और जियो पहली बार आईपीएल को दिखा रहा है, लेकिन जियो अगर आपसे पैसे लेते और चीजें ठीक से नहीं चलती तो आप बोलते मेरे पैसे भी गए और मैच भी ठीक से नहीं दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि वो फ्री में दिखा रहा है तो पहले एक दो मैच में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, सर्वर भी डाउन जाता है, तो भी आप बोलते फ्री में दिखा रहा है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। इससे जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि फ्री में दिखाने से बहुत सारे लोग जियो में देखने आ रहे हैं मैच को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बार जियो सिनेमा में वो लोग भी साइन अप करेंगे जो जियो के यूजर नहीं है। इससे क्या होगा, जियो अपनी यूजर डेटाबेस को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आपको लगेगा डेटाबेस बढ़ाने से क्या होगा, तो आपको बता दूं इसको फ्यूचर में जियो इस्तेमाल कर सकता है, नॉन जियो कस्टमर को पुश कर सकता है जियो में पोर्ट कराने के लिए और अपनी बहुत सारी ऑफर भी दे सकते हैं जियो में आने के लिए। ओ चूना लगा दिया। चौथा पॉइंट, अगर हमारे पास कोई भी ऐप हो तो हम या तो सब्सक्रिप्शन से पैसे ले सकते हैं या तो ऐड चलाकर ऐड देने वाले कंपनी से पैसे ले सकते हैं। जियो ने सब्सक्रिप्शन तो फ्री कर दिया, इससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यूजर जियो सिनेमा में आईपीएल देखने के लिए आएंगे। दूसरी तरफ स्टार स्पोर्ट्स अपने चैनल पर 10 सेकंड का ऐड चलाने के लिए 16 से 17 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे, लेकिन कंपनी को कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा था कितने लोग इस ऐड को देख रहे थे। लेकिन इस बार आईपीएल तो डिजिटल पर आ गई है तो जियो सिनेमा के पास पूरा डेटा रहेगा, कितने लोग कौन सा ऐप कितनी बार देख रहे हैं। इसी तरह से जियो लामसम अमाउंट्स तो कंपनी के पास से चार्ज नहीं करेगा, लेकिन वो इम्प्रेशन के हिसाब से पैसे मांगेंगे कंपनी के पास से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए जियो एक ऐड 10,000 लोगों को दिखा रहे हैं तो कंपनी के पास से वो 10,000 पैसे ले सकते हैं। अभी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अगर 2 करोड़ लोग देखेंगे तो जियो 2 करोड़ रुपए ले सकते हैं उस कंपनी के पास से। पैसा ही पैसा होगा। शॉर्ट इन्होंने सब्सक्रिप्शन हटाकर व्यूअरशिप बढ़ा ली और इस वजह से क्या हुआ कि जियो एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसे ले सकता है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन होता तो कम पैसा देना पड़ता एडवर्टाइजर करने वाली कंपनी को। तो आसान भाषा में बोले तो अगर कोई भी आपसे पैसा नहीं ले रहा है तो आप ही उनके पैसे हो, क्योंकि आप आईपीएल देखोगे तो ही उनको पैसा मिलेगा। अभी तो आपको फ्री का लालच देकर फ्री में दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम सभी को
पहले इंटरनेट को भी बहुत ही सस्ते दाम पर देकर अभी 600-700 रुपए ले रहा है, तो घूम फिर कर आपको फ्री से कन्वर्ट कर सकता है पेड में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, क्योंकि अगर एक बार हमारी हैबिट बन जाती है तो हम बाद में भी पैसे देकर भी इसको खरीदेंगे, जैसे आज अपने इंटरनेट पैक को खरीद रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।